हेलो दोस्तों, एमकेएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज की सबसे बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, आपके सामने यहां पर है असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट। तो दोस्तों, एक अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट की, यानी कि दोस्तों आज असिस्टेंट प्रोफेसर ने इंटरव्यू के लिए एक विषय का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। दोस्तों, कौन से विषय का रिजल्ट जारी किया है वो आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ ही उसकी जो कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ, और कितने गुणा कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया है वो भी इसी वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, एक पहले रिजल्ट जारी किया गया था, उसके जो कैंडिडेट पास किए गए थे इंटरव्यू के लिए, उन कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनको अब जो है इंटरव्यू में नहीं बुलाएंगे। तो दोस्तों, क्या कारण है वो भी मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पल पल की अपडेट है वो आपको इस चैनल पे दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आज ही का है दोस्तों, 23/8/2024 का वो आ चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं रिजल्ट आर्ट हिस्ट्री की, यानी कि दोस्तों आज आर्ट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 6 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया है, और 6 कैंडिडेट के यहाँ पर रोल नंबर भी दिए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों, मैं बता दूँ कि आर्ट हिस्ट्री में लगभग 2 पोस्टें आई थी और 6 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया है, इसका मतलब 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया है। और दोस्तों, ये जो 3 गुना कैंडिडेट पास हुए हैं तो उन्हें इस साइट से एक ही फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे जो है भरना है, और साथ में अपने जितने भी शैक्षणिक योग्यता के या प्रशैक्षणिक योग्यता के और जो जाति प्रमाण पत्र या और भी जो उसके मूल डॉक्यूमेंट्स है उनकी सभी की फोटोकॉपी जो आरपीएससी कार्यालय है उसको 6/9/2024 तक भिजवानी है और शाम को 6 बजे तक। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि यह आवश्यक रूप से भिजवानी है, जो कैंडिडेट नहीं भिजवाएगा उसको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसकी जो कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ आप देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जनरल यानी कि मेन की, तो मेल यानी कि जो पुरुष है उसकी कट ऑफ यहाँ पर 90.38 पे गई है, और ये दोस्तों 200 में से कट ऑफ रही है, यानी कि 200 में से जिस कैंडिडेट के 90.38 नंबर आए हैं उसको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। और दोस्तों, पीएच कैटेगरी में यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स है वो ऑल है, यानी कि दोस्तों इसमें कोई कैंडिडेट यहाँ पर जो है बचा नहीं है, सभी को यहाँ पर पास कर लिया गया है। अब दोस्तों, जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो आपके सामने है मिलिट्री साइंस की, यानी कि दोस्तों जो मिलिट्री साइंस के जो कैंडिडेट है उनका अभी पहले रिजल्ट जारी किया गया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन दोस्तों वापस से यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि एक कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट पास हुए थे उसमें से एक कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है, और उसकी जगह ये जो रोल नंबर है इस रोल नंबर के कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर पास किया गया है। और इस कैंडिडेट को क्या करना है दोस्तों, ये जो कैंडिडेट है उसको इसी साइट से जो फॉर्म है डाउनलोड करना है, और अपनी शैक्षणिक योग्यता और जितने भी जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उन सबकी फोटोकॉपी करवानी है, आरपीएससी कार्यालय को 5/9/2024 तक यहाँ पर भिजवाना है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट इस साइट से अपना फॉर्म डाउनलोड करके आरपीएससी को नहीं भिजवाएगा उसको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों इससे आपको फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में आपने भिजवा दिया है और आपके अगर डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो ही आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, यानी कि उसमें कमी है, तो आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, जिस तरह इस कैंडिडेट को बाहर किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो सूचना है वो आपको काफ़ी अच्छी लगी है। तो दोस्तों, इसी तरह की सूचना पाने के लिए आप एमकेएन अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है वो दबाएँ।